Hackathons are where your crazy idea becomes reality. Open Source Literate Pakistan में आज हम Digital HackFair, Building a Digital Pakistan की बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको Hackathon बताता हूँ क्या होता है. Hackathon आप एक लर्निंग और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म समझ लें, ठीक है, जहाँ आप बहुत ही न्यू चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है, और दूसरे लोगों से मिलते हैं. आप कोई भी सोल्यूशन डेवलप करते हैं, आपके पास ऑन साइट भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं, ठीक है. ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये वाला जो डिजिटल हैक फेयर है ये ऑनलाइन रिमोट है, ठीक है. आप रिमोटली इसमें अपनी टीम्स डेवलप कर बना सकते हैं, ठीक है, अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं. और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आप अगर टॉप 15 टीम्स में आते हैं, तो फिर आप अपना आइडिया जाके प्रेजेंट करेंगे जूरी के सामने. डिजिटल हैक फेयर बेसिकली टेलीनॉर वेलोसिटी, गूगल डेवलपर्स और UNDP की कोलेब्रेशन से हो रहा है, ठीक है. और ये फोकस्ड है 8 कैटेगरीज में, जिनमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, कनेक्टिविटी है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, जेंडर है और सेफ्टी है. और ये एक हैकथॉन और दूसरी चीज़ों में थोड़ा फ़र्क ये है कि हैकथॉन में आपने एक्चुअल आइडिया इम्प्लीमेंट करना है. आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनाना है या वेबसाइट बनानी है. लाइक इसमें स्पेसिफिकली आपको फ्लटर को यूज़ करते हुए, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क है गूगल की तरफ से, उसको यूज़ करते हुए आपको मोबाइल ऐप बनानी है. और वो फ्लटर जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है, और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ओपन सोर्स जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. ये स्पेसिफिकली उसी को यूज़ करते हुए आपने अपना कोई भी प्रोटोटाइप या पायलट प्रोजेक्ट बनाना है. ये एक इसमें कंडीशन है. तो इसका आप इसको एज ए चैलेंज ले सकते हैं कि अगर आप जावा डेवलपर हैं या कॉटलिन के डेवलपर हैं या स्विफ्ट के डेवलपर हैं या जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं, तो आप अपना कोई आइडिया सोचते हैं इन कैटेगरीज में, और वो आप ये चाहते हैं कि चलें साथ में न्यू टेक्नोलॉजी सीख ली जाए, नया फ्रेमवर्क सीख लिया जाए, फ्लटर और डार्ट, तो आप एक वीकेंड पे कुछ घंटे बैठ के अपना आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप सबमिट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप टॉप 15 टीम्स में आएँ और गूगल हेडक्वार्टर में जाके अपना आइडिया प्रेजेंट करें. तो कोशिश ये करें कि टॉप 15 टीम्स में आएँ. सबसे ज़्यादा फ़ायदे में वही टीमें रहती हैं, वो ज़्यादा लर्न करती हैं, जो टॉप 15 में आ जाएंगी, ठीक है, वो जाके लर्न करेंगी कि बाकी जो 14 टीम्स हैं उनके क्या आइडियाज़ हैं, उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया अपना आइडिया, जजेस ने क्या क्वेश्चन किया, कैसे आंसर किए हैं. तो बंदे की नॉलेज बेस काफ़ी इंक्रीज होती है. ये हैकथॉन्स के बेनिफिट होते हैं. इन बेनिफिट्स के अलावा आपको प्राइज मनी ऑफर कर रही है ये हैकथॉन. फर्स्ट टीम 3 लाख लेगी, दूसरी टीम 2 लाख और तीसरी 1 लाख. डेफिनेटली आपको अपनी ऐप का वीडियो डेमोंस्ट्रेशन बनाना 2 मिनट का, और आप ओपन सोर्स है ये बिल्कुल, आपको आप सोर्स कोड सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है. सोर्स कोड के भी वो सोर्स कोड को भी वो चेक करेंगे, स्क्रीन शॉट सबमिट करने हैं, बाकी आप रिक्वायरमेंट इधर से देख सकते हैं. इस हैकथॉन में एक जो मज़े की चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि आप किसी भी टीम को, मतलब अगर कोई है तो आप टीम में बंदे इन्वाइट भी कर सकते हैं, और किसी की टीम में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. लाइक इधर अभी तकरीबन 300 के करीब पार्टिसिपेंट रजिस्टर हो गए हैं, तो ठीक है, जिनमें से 20 ऐसी टीमें हैं जो टीम मेंबर ढूंढ रही हैं, ठीक है. आप भी रजिस्टर हो के या तो टीम मेंबर ढूंढ सकते हैं, या अपनी साथ वाला कोई क्लास फेलो या कोई दोस्त डाल सकते हैं, या किसी की टीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो आप मतलब तकरीबन 1 से 2 लोगों को तो लाजमी मिलने वाले हैं. और अगर आप टॉप 15 टीम्स में आते हैं तो आप बाकी टीम से मिल सकते हैं, लर्न कर सकते हैं बहुत कुछ. तो ये सारी बेनिफिट्स हैं इस हैकथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन में जाके पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको उनसे भी मिल जाएगा. और अभी 20 दिन रहते हैं आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने में, और उसके बाद आप ये करेंगे कि अगर आप टॉप 15 में आते हैं तो आप जाके उधर प्रेजेंट कर देंगे. अगर आपने डार्ट को ऑनलाइन प्ले ग्राउंड में चलाना है तो आप इधर जाके चला सकते हैं. डार्ट पैड डार्ट डेव है, मुझे आज ही इसका पता चला है, ठीक है. इससे पहले मैंने बस एक दिन देखा था कि ये क्या चीज़ है, और आज अभी मैंने तकरीबन 10 मिनट में ये छोटी सी ऐप डेवलप कर ली है.
मतलब इतना इजी है ये डेवलप करना, और ये दोनों प्लेटफॉर्म पे चलती है एंड्रॉयड और iOS। ये बिल्कुल रिएक्ट नेटिव का कंपटीशन लाया है गूगल ने। ठीक है, ये एक मैंने टेबल बनाया था। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी आइडिया आप वीकेंड पे डेवलप कर सकते हैं और इस तरह के हैकथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।